झुमरी तिलैया राजकड़िया रोड में दुकान में चोरी करने वाले चोर और चोरी के सामान खरीदने को तिलैया पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। तिलैया थाना क्षेत्र के राजकड़िया रोड में संचालित कृषि यंत्र नामक बीज एवं खाद्य की दुकान में सोमवार की रात हुई चोरी की घटना का तिलैया पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर उद्भेदन किया है। मामले के उद्भेदन को लेकर बुधवार की दोपहर तिलैया थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान SDPO अशोक कुमार ने बताया कि चोरी की घटना के बाद मंगलवार को दुकान के संचालक शंकर मोहल्ला रोड निवासी सुरेंद्र प्रताप के द्वारा तिलैया थाने में लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने दुकान की नकदी समेत दुकान के पीछे का दीवार तोड़कर दुकान में रखे गेहूं और प्याज के बीज, इन्वर्टर, बैटरी व स्टेबलाइजर चोरी होने की शिकायत की थी। इस मामले में आवेदन के आधार पर थाने में मामला दर्ज किया गया और इसी घटनाक्रम में उद्भेदन को लेकर पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक सह तिलैया थाना प्रभारी द्वारिका राम तिलैया, थाना के पुलिस अवर निरीक्षक सोनी प्रताप, पुलिस अवर निरीक्षक लव कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक आनंद कुमार सह पुलिस अवर निरीक्षक आनंद मोहन, पुलिस अवर निरीक्षक ऋषिकेश कुमार सिन्हा के साथ एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा कांड के अनुसंधान के दौरान तिलैया थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर निवासी अनरवा तुरिया पिता रामदेव तुरिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गेहूं की खरीदी करने वाले व्यवसायी गौरीशंकर मोहल्ला रोड निवासी विनय कुमार तरवे पिता स्वर्गीय बाल मुकुंद तरवे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने व्यवसायी के पास से 22 बोरा गेहूं का बीज बरामद किया। प्रेस वार्ता के दौरान SDPO ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अनरवा तुरिया का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है, वही चोरी के अन्य सामानों की बरामदगी को लेकर पुलिस प्रयासरत है। प्रेस वार्ता के दौरान तिलैया थाना प्रभारी द्वारिका राम सहित अन्य पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। राजगढ़िया रोड में सुंदर प्रसाद के किसी अंत बीज के दुकान में चोरी हो गई थी, जिसमें प्याज का बीज, गेहूं का बीज, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर चोरी कर लिया गया था। इस बात को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थाना प्रभारी तिलैया को निर्देशित किया गया कि कांड का उद्भेदन हर हालत में होना चाहिए। इसके आलोक में पुलिस थाना प्रभारी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना के पदाधिकारी एवं कर्मी सम्मिलित थे। टेक्निकल मदद एवं मैन सोर्स के माध्यम से एक अभियुक्त को पकड़ा गया, जिसका नाम अनरवा है। उसके पकड़ने के पश्चात उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और कांड में संलिप्तता बताया। सर, उसी के निशानदेही पर जो गेहूं का बीज उसने जहां पर बेचा था, उस दुकानदार के यहां से था 22 पैकेट गेहूं जो है बरामद किया गया और उस दुकानदार को भी गिरफ्तार किया। कहां का रहने वाला है सर? गौरीशंकर मोहल्ला के रहने वाले। सर, क्या कहते तो पूरी गेहूं की बीज रिकवरी हुई है ना? चोरी का पूरा सामान रिकवरी हुआ है नहीं, और हम लोग लगे हुए हैं उसमें, जो बचा हुआ चीज है वो भी बहुत जल्द। बैटरी और इन्वर्टर भी था सर उसमें, क्या उसको? हाँ, गेहूं चोरी कहाँ बेचता था सर? उम्मीद है वो भी हम लोग बरामद कर लेंगे। सर, मामले में प्रयुक्त जो वाहन था सर, उसकी जब्ती हो पाई है कि नहीं? नहीं, अभी प्रकाश में नहीं आया है कि किस वाहन का उपयोग किया गया है। सर, जिस दुकान में सर माल बेचा गया, तो क्या उसको भी सील किया जाएगा? नहीं, दुकानदार को हम लोग जो है गिरफ्तार किए हैं। जो चोर सर पकड़ा गया है सर, पूर्व में भी किसी मामले में उसकी संलिप्तता रही है? कोई केस उसका आपराधिक इतिहास रहा है, हम लोग खंगाल रहे हैं। जो खरीदारी करने वाला है सर, वो पहले भी खरीदारी कर चुके हैं चोरी का माल? अभी तक बात प्रकाश में नहीं आई है सर। उसी गली में सर, उसी दुकान के बगल में सर, 4 महीने पहले चोरी हुई, जिसका अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ। उद्भेदन नहीं हुआ, हम लोग प्रयासरत हैं, हमारे जिला कप्तान भी प्रयासरत है, उम्मीद है उसका भी डिटेक्शन करेंगे। सर, कल R9 भारत के लिए रवि छाबड़ा की रिपोर्ट, झुमरी तिलैया।